बिहार की सियासत का फाइनल दिन, नीतीश जाल में फंस गए गिन गिन। उपेंद्र कुशवाहा ने ठोकी ताल, तारीख का ऐलान, जेडीयू को करेंगे बिहार। नीतीश की नाव, उपेंद्र का दांव, बिहार की सियासत का नया पड़ाव। नीतीश को छोड़ अलग रहा पर कुशवाहा, कार्यकर्ताओं को खूब सराहा। बिहार की राजनीति में बहुत जल्द कुछ बड़ा होने वाला है। लंबे समय से चल रही सियासी खींचतान अब परिणाम तक पहुंचने वाली है। उपेंद्र कुशवाहा ने जो सियासी दांव छेड़ा है, उसने नीतीश कुमार की नींद उड़ा दी है। उपेंद्र कुशवाहा ने ठान लिया है वो इसी महीने में आर पार के मूड में है। सियासी वार पलटवार की हवा झेल चुके उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम नीतीश कुमार को झटका देने के लिए तारीख भी तय कर ली है। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा अपनी ही पार्टी से बगावत करने के मूड में है। ऐसा हम नहीं कह रहे, खुद उपेंद्र की प्लानिंग इशारा कर रही है। आरजेडी को साथ लेकर सत्ता की कुर्सी पर बैठे नीतीश कुमार और तेजस्वी के बीच अंदरखाने डील की खबरें आ रही हैं। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा ने भी नीतीश कुमार को घेरने के लिए मोर्चा खोल दिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का साथ छोड़ आरजेडी संग गठजोड़ कर सरकार बनाने वाले नीतीश कुमार अब अपने ही नेताओं से घेरने वाले हैं। नीतीश कुमार को पटखनी देने के लिए उपेंद्र ने कार्यकर्ताओं से कह दिया है कि वो तैयार रहें। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी के कार्यकर्ताओं के नाम एक खुला पत्र जारी किया है। पार्टी नेतृत्व से नाराज चल रहे उपेंद्र कुशवाहा ने कार्यकर्ताओं के साथ 19 और 20 फरवरी को एक बैठक कर अपनी बात रखने के साथ कार्यकर्ताओं की राय जानना चाहते हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं के नाम खुला पत्र में कहा कि पार्टी आंतरिक कारणों से रोज कमजोर हो रही है। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद जेडीयू का जनाधार काफी तेजी से घट रहा है। उन्होंने कहा कि नवंबर दिसंबर में हुए उपचुनाव के परिणाम इसका जीता जागता उदाहरण है। उपेंद्र कुशवाहा के इस पत्र के बाद से जेडीयू के कई नेता और खुद नीतीश कुमार संकट में फंसते नजर आ रहे हैं। अंदरखाने तेजस्वी से डील करने वाले नीतीश अब अंदरूनी कलह के आगोश में समा जाएंगे, क्योंकि 20 फरवरी तक उपेंद्र कुशवाहा फुल एंड फाइनल के मूड में हैं। उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार में सब कुछ ठीक नहीं है, ये तो जग जाहिर है। पार्टी की नीतियों से उपेंद्र नाराज हैं, तो नीतीश कुमार को इस समय तेजस्वी की नीति खूब भा रही है। अब कार्यकर्ताओं के नाम उपेंद्र के पत्र में ऐसी बात लिखी गई है जो बिहार की सियासत में भूचाल लाने से कम नहीं। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं, आरजेडी के साथ पार्टी नेतृत्व ने कोई खास डील की है जिसमें जेडीयू का आरजेडी में विलय की तैयारी है। इन बातों के साथ साथ उपेंद्र ने कार्यकर्ताओं को ये भी संदेश दिया है कि जिन कार्यकर्ताओं ने पार्टी को खून पसीने से सींचा है, उन कार्यकर्ताओं को जबरन उसी पार्टी के लिए काम करने को मजबूर किया जा रहा है जिसके खिलाफ सालों तक कार्यकर्ताओं ने लड़ाई लड़ी है। उपेंद्र कुशवाहा के इस दाव से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी परेशान हैं, क्योंकि ये दाव ऐसा है जो कार्यकर्ताओं के मनोबल को नीतीश कुमार के खिलाफ गिरा सकता है। नीतीश कुमार के खिलाफ आवाज बुलंद कर चुके उपेंद्र कुशवाहा ने महाशिवरात्रि के बाद कार्यकर्ताओं को बुलाया है और कुछ ऐलान करने की तैयारी में है। कयास लगाए जा रहे हैं कि उपेंद्र पार्टी के कार्यकर्ताओं का साथ लेकर जेडीयू और नीतीश कुमार का साथ छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं। उधर दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा की रणनीति पर जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कटाक्ष किया है और नसीहत देते हुए कहा कि अभी वो पार्टी के एक सदस्य हैं। हाल के दिनों में प्रखंड से राष्ट्रीय अध्यक्ष तक संगठन का चुनाव हुआ है, लेकिन उसके बाद अभी तक ना तो प्रदेश और ना ही राष्ट्रीय कमेटी जारी की गई है। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं जो उनके राजनीतिक जीवन के ताबूत में अंतिम कील साबित होगा।